रात से कल शाम तक इतना स्नोफॉल हुआ है। साथ ही साथ आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा ड्रोन ड्रोन से रिलेटेड। तो फिलहाल देता हूं अपना एग्जाम। प्लान कर रहा था कि अप्रैल 1st से हम लोग बाइक निकालेंगे, बाइक के लिए बैटरी लेके आए थे। और बाय द वे उस दिन जो लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा जो कि बैटरी हम लोग लाने गए थे, वहाँ पे वो दुकान बंद था, तो वहाँ पे मैं गया था मंडे को, लेकिन वो मैं पिक नहीं कर पाया क्योंकि वो बैटरी का जो ऑर्डर था वो थोड़ा गलत था और जो उसका पावर था वो 12 वोल्ट था और जो बाइक में है वो है मेरे ख्याल से 16 वोल्ट का। तो वो कैंसिल करके उसके बाद हम लोगों ने ऑनलाइन बुक किया था जो कि काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिला। ऑफकोर्स थोड़ा महंगा था, जो हम उसने बुक करवाया था मेरे फ्रेंड ने उससे थोड़ा महंगा था क्योंकि बैटरी का साइज़ जब पावर जब थोड़ा बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी थोड़ा बढ़ गया। तो वो ऑनलाइन आ चुकी है बैटरी, ऑनलाइन बुक किया था तो वो आ चुकी है। और ये रहा वो पैकेट, अभी तक खोला नहीं है लेकिन फ़िलहाल अभी जा रहा हूँ आयुष को ड्राइविंग सिखाने के लिए, उधर मैं उतना ज़्यादा शूट नहीं करूँगा। और इसी ब्लॉग में आप लोगों के एक साथ और भी चीज़ शेयर करना है जो कि है मेरा ड्रोन के बारे में, ये मैं लेके आया हूँ। सो इसके बारे में थोड़ा शेयर करूँगा और इसके साथ कुछ मिलिट्री कोर्स है क्योंकि ये ड्रोन है 7.750 ग्राम का था। सो उसकी वजह से मुझे इसके लिए इसको रजिस्ट्रेशन और इसके लिए कुछ मेरे को डॉक्यूमेंट्स जो मिलिट्री चीज़ें हैं वो चीज़ करना पड़ा है, वो चीज़ भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, अभी फ़िलहाल चलते हैं जाके आयुष के साथ ड्राइविंग करके आते हैं। ये देखो क्या हालत हो गई है अभी तो, फिर भी आयुष ने काफ़ी क्लीन कर दिया है लेकिन इतनी रात को इतनी बर्फ स्नोफॉल हुआ था और यहाँ पे अगर हार्ड आइस है और जब भी आप दरवाज़ा खोलते हो ऐसे तो ये क्या करता है हार्ड आइस के साथ ये लगता है ऐसे, तो ये ज़रूरी है कि आप इसको तोड़ दो क्योंकि हर दरवाजे के नीचे एक रबड़ है और वो हार्ड आइस करता है कि वो उस रबड़ को क्रैक कर देता है। तो उसके बाद होता है कि आपका जो आइसोलेशन होता है घर का वो डैमेज हो जाता है, उससे फिर नीचे तक हवा आती है, तो ज़रूरी है कि वो चीज़ आप क्रैक कर दो। ये देखो ये सारा बर्फ मेल्ट हो गया था, अभी देखो ये सारा फिर से बराबर हो गया। तो इसे ही कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन आपका बढ़ जाता है। और मैंने सोचा था कि अभी तो मार्च का महीना चल रहा है तो अप्रैल 1st वीक में बाइक निकाल लेंगे, इसलिए ऑलरेडी बैटरी सब ऑर्डर कर दिया था, लेकिन अभी आदत फिर से आती है। लेकिन नेचर के आगे कुछ कर नहीं सकते। सो यू गाइस जस्ट स्टे ट्यून्ड, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी फ़िलहाल निकल रहे हैं आयुष को ड्राइविंग सिखाने के लिए, उसके बाद फिर घर आते हैं और जो बैटरी आया उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। साथ ही साथ आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा ड्रोन से रिलेटेड। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, लेट्स गो। एक कोर्स करके और उसका एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसी को लेके अभी मैं बिजी हूँ।
से है, तो फोर्स कुछ इस तरह से है। इसके लिए मुझे पे करना है 200, पे किया है 230 नॉक, ये है पर ईयर का, पर एनम रजिस्ट्रेशन फी है, जो कि हम लोग फ्लाई ड्रोन डॉट एनओ, क्योंकि मैं नॉर्वे में हूँ तो मुझे फ्लाई ड्रोन डॉट एनओ में मुझे ये रजिस्ट्रेशन करना है। तो फिलहाल और इस ये जो है ये जो एग्जाम है ये A1 और A3 जो कैटेगरी है उसके लिए है, और जिसके लिए मेरे आपको 40 क्वेश्चन आएंगे। तो फिलहाल देता हूँ अपना एग्जाम और फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। Few moments later. Yes. So I made it. तो अपना जो है एग्जाम हो चुका है। तो एग्जाम एक कोर्स था छोटा सा जिसमें आपको बेसिक नॉलेज और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो AU में मैंने यूरोपियन यूनियन में जो बेसिक नॉलेज जो ड्रोन से रिलेटेड बेसिक नॉलेज है उसके बारे में एक कोर्स था। पहले वो कोर्स किया, फिर एक उसके बाद आपको एक एग्जाम देना होता है जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। तो 40 क्वेश्चन में आपको नियर अबाउट नंबर 73% आपको राइट आंसर देना होगा। वो दे दिया है एग्जाम और एक ही बारे में अपन क्लियर कर गए। तो अपना है 80% रिजल्ट। तो आई एम फिट टू फ्लाई दिस मैविक एयर 2। बड़ा एक्साइटेड हूँ। तो अपना सारा हो गया और बहुत ही जल्द एक बहुत बढ़िया ट्रिप होने वाली है, कई ट्रिप्स होने वाली है अभी बैक टू बैक। जस्ट स्टे ट्यून फॉर दैट। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मैं जाके खाना खा लेता हूँ। काफी टाइम से डिनर सर्व हो चुका है। Few moments later. Oh, अभी टाइम हो रहा है। So what's the time? 13:44. कम से कम डेढ़ घंटे की ड्राइव के बाद, आयुष की ड्राइविंग प्रैक्टिस के बाद, now we are at AK Berg. हम लोग AK Berg में आए हैं जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट का ग्राउंड है कुछ इस तरह से देख लो, अभी भी स्नो से भरा हुआ है, और इसका व्यू मैं आप लोगों को दूंगा इस ड्रोन के साथ। तो ड्रोन में अभी मैं ऑफिशियली मैं ये ड्रोन एकदम मैं लाइसेंस के साथ उड़ा रहा हूँ। तो ये है क्योंकि 350 ग्राम्स का ड्रोन है, सो ये 250 से ज़्यादा है इसलिए आपको इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इस बार मैंने जो परचेज किया है ये किया है मैविक का एयर 2, DJI मैविक का एयर 2। सो अभी इसको उड़ाएंगे, डिफरेंट एंगल आप लोगों को एक व्यू देता हूँ एक ही बर्फ का। ऑन द काउंटडाउन ऑफ 2, 3 and 1। बनता है इसके लिए काफी मेहनत। आयुष का ड्राइविंग क्लासेस आज का होता है यहाँ ख़त्म। इट्स द 7th ड्राइविंग क्लासेस ऑफ हिज विद मी। हाउ वाज द टुडेज एक्सपीरियंस? वाज गुड। दैट्स गुड। या ही एक्चुअली ड्रिवन काफी अच्छा रही, ड्रिवन वेरी वेल टुडे। एक गलती की थी उसने, जहाँ पे रेड लाइट था वहाँ पे ना वो उसमें बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था तो वो कवर हो गया था जो लाइट है ट्रैफिक लाइट था, तो वो देख नहीं पाया वो एक्चुअली, वो एकदम क्लोज था तो वो जंप कर गया। एक वो गलती थी, लेकिन रेस्ट ऑफ द ड्राइव काफ़ी अच्छा उसने काफ़ी अच्छा किया आज। सो गुड आयुष, कीप इट अप। सो लेट्स चार्ज द कार फर्स्ट देन वी विल गो इन। और सो अपनी जो टाइगर है ये पीछे है, इसको निकालने का तो प्लान था, देखते हैं कि आगे का वेदर कैसा रहता है नवंबर में। और बैटरी ऑलरेडी आ चुकी है, बैटरी इंस्टॉलेशन, बैटरी को अनपैक आज करेंगे और इंस्टॉल देखते हैं कब करते हैं। इंस्टॉलेशन का अभी तक ठीक नहीं है, लेकिन पैकेज जो क्या बोलते हैं उसको यार, अनबॉक्स, अनपैक, या
बैटरी को अनपैक आज करेंगे और उसके बाद इंस्टॉलेशन जब करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे और उसी दिन एक राइड भी होगी। सो लेट्स गो एंड अनपैक द बैटरी फर्स्ट। चलो वेलकम बैक। तो अपना हो गया लंच कंप्लीट और अभी करते हैं अनबॉक्सिंग की। ट्रम्प टाइगर 800 का जो बैटरी लिया उसका अनबॉक्सिंग और पैक अनबॉक्सिंग करते हैं, अनपैकेजिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ कहता हूँ, अचानक एक फ्रेंड लोगों ने फ़ोन किया, हम लोग आने से पहले जस्ट फ़ोन किया था कि वो लोग आ रहे हैं शाम को क्योंकि लड़की का जन्मदिन था 16 ईयर, तो वो लोग आ रहे हैं तो इसलिए अनिता कुछ स्पेशल बना रही है अभी। तो बोलिए उसको मत दिखाना, लेकिन उसका देखो ये स्पेशल क्या चीज बन रहा है। क्या चीज बन रही है? राधा बल्लभी। राधा बल्लभी, ये क्या है? साई पल्लवी ना, राधा बल्लभी एक टाइप का बोंगी वही है, पूरी है, स्टफ्ड पूरी है। हिंदी भाषा में बोला तो ये स्टफ्ड पूरी है, लेकिन ये जो पूरी का जो ये स्टफिंग है, ये दाल से करते हैं अपने बैटरी का और देखते हैं कि इस बार हम लोगों ने जो ऑर्डर किया है वो सही आया है कि नहीं। इस बैटरी का अच्छा खासा वेट है, नियर अबाउट मेरे ख्याल से 4.5 केजी का वेट है, 6 केजी इसका वेट है पैकेज का, ये ऊपर लिखा हुआ है। अनबॉक्स करते हैं। अंदर देखो क्या सारा सामान, तो ये जो है एकदम ट्रम्प का जो ओरिजिनल जो बैटरी आता है ना, ये वो है, ये काफी बड़ा लग रहा है। ये है यूएसए का बैटरी और ये है YTX16BS 12 वोल्ट 14.7 एम्पायर का। ये था लास्ट वाला जो मैंने लिया था वो 1.7 की जगह 14.7 एम्पायर की जगह कुछ और था जो वाला, और ये -18 डिग्री तक टॉलरेट कर सकता है। यही जो ट्रैम्प की नई ओरिजिनल बैटरी थी वही है जो ट्रैम्प टाइगर के साथ आई हुई थी। मैं जस्ट जाता हूँ ऊपर से जो पुरानी वाली जो बैटरी है जो ओरिजिनल बैटरी है वो लेके आके आपको दिखाता हूँ। यस, सो दिस वन इज द ओल्ड बैटरी यूएसए सेम पावर है YTX16-BS और ये है 14.7 एम्पायर का और एकदम वही बैटरी लिया है। और जो मेरे फ्रेंड ने एक्चुअली ऑर्डर किया था वो थोड़ा दूसरा निकल गया, इसलिए वो थोड़ा सस्ता था लेकिन उसका पावर थोड़ा कम था, तो इसलिए मेरे को वो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद मैंने ऑनलाइन में सर्च किया तो मुझे एकदम ओरिजिनल बैटरी मिली, और जबकि ये एम से ऑस्लो नहीं यहाँ पे जो ट्रैम्प का जो ओरिजिनल जो यहाँ पे शोरूम है वहाँ से मैंने पता किया था, तो उन्होंने 2200 समथिंग कुछ लिखा गया कुछ कहा था, और मुझे ये पड़ा 1200 का, 1296 विद डिलीवरी चार्जेस। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ गाइस, सो होपफुली वेदर बहुत जल्द क्लियर होगा और हम निकलेंगे राइड पे। तो तब तक के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड द चैनल और होपफुली इंस्टाग्राम में आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, इंस्टाग्राम का जो लोगो आता है उसका
उसको सिर्फ देखना नहीं है, उसको जाके फॉलो करना है। कोई तरीका है भीख मांगने का? जो इंस्टाग्राम जो आईडी है, लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पता है बंद करो। गजब बेइज्जती है। और ब्लॉग अच्छा लगा है तो यू नो दैट विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई ने बोला करने का तो करने का। कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन दिस इज नॉट साइनिंग ऑफ। एंजॉय द लाइफ एंड लिव योर ड्रीम्स। बाय फॉर नाउ।